সর্বরে এ সর্বরে এক মিনিট জয়া জল দিয়ে দোনো ওপর আ যাও অভিজিৎ কো হলদি লাগানি হ্যাঁ অভিজিৎ কি মামি জি মে ভি আর অভিজিৎ কো হলদি লাগানে কে লিয়ে আ যাও মে ভি আর হলদি লাগানে কে লিয়ে হ্যাঁ আপকো কিসনে মানা কিয়া আশা হ্যায় আপ ফির মিল কে লাগাতে হলদি আ যাও জলদি ओ चूहे ने सारी पहनी आज श्रेया के पापा ने क्या डेकोरेशन अच्छा है ना हो गई का तैयारी आइए था तुम आओ बहुत देर हो गया जल्दी नहीं आई अभी तक आती होगी आती होगी सुमित्रा इतनी जल्दी मत करो आइए आइए सब आइए पता नहीं अभिजीत कहाँ गया है बोला दो मिनट में आता हूँ आप तक नहीं आया तैयारी भी करनी है उसको वैसे अभिजीत की मम्मी जी कोलकाता से कोई नहीं आने वाला आई मीन आपकी फैमिली का आने वाला है शादी से एक दो दिन पहले अच्छा वो क्या है अभी ये सारे फंक्शन तो मैं कर सकती हूँ पर शादी का फंक्शन शादी के फंक्शन में मेरा कोई काम नहीं ना? मैं तो अटेंड भी नहीं कर पाऊंगी शादी का फंक्शन बाबू आप शादी अटेंड नहीं करोगे ना हमारे यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे बेटे की शादी माँ नहीं देखती पर क्यों परंपरा है बरसों से चली आ रही है अच्छा देखा मेरी माँ ने इतना ज्यादा मुझे नहीं बताया पर जितना भी बताया उतना मैं आपको बताती हूँ कहते हैं कि शादी के समय सब लोग लड़की वालों के पास जाते हैं लड़की के घर और लड़के के घर में कोई नहीं होता तो जब हम दुल्हन को लेके आते हैं तो यहाँ पे किसी को होना चाहिए कि नहीं स्वागत करने के लिए हाँ ये बात भी बराबर है घर पे कोई होना चाहिए इसीलिए नए जोड़े का स्वागत करने के लिए दूल्हे की माँ घर पे ही रहती है ताकि जब दूल्हा नई दुल्हन को लेके आए तो सबसे पहले उसकी माँ ही उनकी आरती उतारे और फिर वो घर में आए हाँ ये मुझे पता नहीं था अबे ये पता नहीं कहाँ पे है लड़का हाँ हाय शर्बरी अपने हाथों से लगा रही होगी क्या हल्दी अभिजीत को इंतजार के लिए माफ कीजिए पर थोड़ा देर इसीलिए लगा क्योंकि थोड़ा लुक मुश्किल था मैंने काफी अच्छा लुक किया है होप आप सबको बहुत बस बस कितना बोलती हो मधुरा तुम लाओ शीला को जल्दी वाह वाह शीला बहुत खूबसूरत दिख रही हो आओ इधर बैठ जाओ मधुरा जी आप रुकिए ना हल्दी का प्रोग्राम करके ही जाइए नो मेरे पास इतना टाइम नहीं काफी बिजी हूँ मैं दूसरी दुल्हन के पास भी जाना पता है आप बहुत बिजी होती हो मैं आपको रोकना भी नहीं चाहती पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चार औरतें हैं और हल्दी लगाने के लिए कम से कम पांच की जरूरत होती है तो आप प्लीज जरा हल्दी लगा के जाओ ना शीला को श्रेया अनुष्का अभी नहीं अभी तक अगर वो आती तो फिर आपको क्यों रोकते हैं अच्छा ठीक है अभी ये हल्दी लड़की वालों के पास लेकर जा मैं हाँ तो जा ठीक है हल्दी कब आएगी पता नहीं हाँ गई लगता है हल्दी
देर कर दिया हल्दी में, लगा रही थी या खेल रहे थे? कैसा रहा वैसे फंक्शन? हाँ बहुत मजा आया। अभी हमारी बारी हो। आ गई हल्दी। आ गई हल्दी शिला, पिया की झूठी हल्दी। कौन पिया? अभिजीत की झूठी हल्दी आई ऐसा बोल रही हूँ मैं। झूठी? हाँ झूठी। ओनो, ये क्या होता है? झूठी हल्दी लगानी पड़ती है, वही रस्म होती है। जब तक पिया के घर के झूठी हल्दी नहीं आती तब तक हल्दी को हल्दी नहीं कहते। अगर हल्दी करनी होती तो हम करते घर में, पर नहीं, रस्म वैसी नहीं। रस्म क्या कहती है? पिया के घर से जब तक हल्दी नहीं आती तब तक हम हल्दी नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? रस्म है शीला, समझा कर, इससे प्यार बढ़ता है। सोचना, जो हल्दी तेरे होने वाले पति को लगेगी वही तुझे लगेगी। प्यार तो बढ़ेगा ही ना। वैसे शर्मिला, हल्दी कौन लेके आया था? शर्वी जी आई थी हल्दी लेके। What happened? नेचर कॉल आ गया? नहीं नहीं, नेचर कॉल नहीं आया मुझे, क्या आप कुछ भी बोलती हो। चला चला हल्दी की रस्म शुरू कर दो। ससुमा आप शुरू करते। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, तू लगा पहले। ससुमा आप बड़ी हो, दुल्हन की माँ हो, सबसे पहले हल्दी लगाने का हक आपको है। चल चल ठीक है, लगाती हूँ। लगाइए लगाइए, अभी से आंसू मत भाइया, विदाई के टाइम भी थोड़े निकलने चाहिए। अपना ये जो एक्स्ट्रा का मुंह बाहर निकला उसको कम कर। हल्दी है लगने वाली, पीली पीली तू होने वाली। हल्दी है लगने वाली, पीली पीली तू होने वाली। शर्वरी पिया की झूठी हल्दी लेके दिल से आई है। मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा किसी को? वाह वाह वाह, क्या बात है सुमित्रा, कमाल कर दिया, क्या गाना निकला है तुमने। थैंक यू थैंक यू। श्रेया की दादी खड़ी क्या हो, हल्दी लगाओ। सिला हाय दया, तो हाँ शादी हो रही, यकीन नहीं हो रहा। अभी जब अपने पति के घर जाएगी तो ये बालों का थोड़ा सा ऑयल लगा के बड़ा करना, नहीं तो पति में और तुझ में कोनो फर्क ही समझ में नहीं आएगा। अच्छे से रहना, मायके समझ के नहीं ससुराल समझ के रहना, समझ गए? मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है, ये बात भी मत भूलना। सास कितनी भी मीठी बने वो सास ही होती है। सास कितनी भी मीठी बने है तो वो सास ही, सास के गुण तो दिखाएगी ना। ओ, हम भी सास है किसी की। सुमित्रा तुम लगाओ। हाय लगा नहीं था, बॉयकॉट तेरी इतनी जल्दी हल्दी हो जाएगी। देख मैंने कभी तेरा बुरा नहीं सोचा, हमेशा तेरे भलाई का सोचा। थोड़ा मजा कुछ भी मिले ये सोचा, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा। ले लगा हल्दी, लगा अपने पिया की। जल्दी चली जाओ। मधुरा जी आइए, लगा लीजिए, फिर जाना आप, बहुत बिजी हो ना, लगा लीजिए। बहुत याद आएगी शीला तुम्हारी। भाभी भाभी कौन करेगा ग? हल्दीचा हार्दिक शुभेच्छा। काम करो ले, बधाई हो। मम्मी संगीत के कंपटीशन में हमारी टीम जीतेगी। टीम? हाँ, इस बार भी हमने संगीत की कंपटीशन में दो टीम रखी है, एक की कैप्टन मैं हूँ और दूसरी की अनुष्का। आकू भाई हमारी टीम में कौन कौन है ग? हमारी टीम में पता है कौन कौन है?
जोया जी, बॉडीगार्ड अंकल, वॉचमैन अंकल, चाचा जी, हमारी पूरी फैमिली एक ही ग्रुप में रहेगी, मेरे और हाँ विकास की मम्मी, और वो हमारे साथ नहीं है, वो उनके साथ चले गए। अच्छा है वो नहीं है, वैसे भी उनकी हमारी नहीं जमती। शर्वरी जी है क्या हमारे टीम में? क्यों चाहिए वो? बस पूछ रहा हूँ मैं। पापा, शर्वरी जी भी लड़के वालों की तरफ से चली गई है। हश, क्या हो रहा है? हमारी टीम जीतेगी देख लेना अनुष्का, मैं बता रही हूँ ना, हमारी टीम एकदम मजबूत लग रही है। रसगुल्ला कैसी भी हो, डांस करने में माहिर है। शशि बहन तो गरबा क्वीन है, और मैं तो क्या ब्रांडेड डांसर, तो जीतने तो हम ही वाले हैं। यस मॉमी, हमारी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जेनी माँ से भी हमारी टीम है, कितनी स्ट्रांग लग रही है अभी से हमारी टीम, और ऊपर से तुम भी तो हो ब्रांडेड डांसर, हमारा बेटा है। ओ नो, पर वो वॉचमैन अंकल एंड चाचा जी दोनों एक ही टीम में गए हैं, श्रेया के। वो क्या करने वाला है नींबू टेम्बो? अभी तो बस इंतजार है संगीत के कॉम्पिटिशन का, सबकी छुट्टी कर देंगे हम। शिला, आज संगीत है ना, तो मैं ये चाहती हूँ तुम संगीत के दिन साड़ी पहनो। भाभी, मैंने साड़ी तो पहनी है। ऐसी साड़ी नहीं, बंगाली साड़ी। आई एम सॉरी भाभी, पर मुझे नहीं आती वो साड़ी। आपको आती है तो आप पहना दो। मुझे भी कहाँ आती है? लो, ना आपको आती है ना मुझे, फिर कैसे पहनाएंगे? शर्वरी जी है ना, प्रॉपर कोलकाता से, उनको बहुत अच्छी आती है, वो पहनाएगी। वैसे भी क्या काम करती है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली साड़ी पहनते है। शर्वरी के हाथों से नहीं पहनूंगी मैं साड़ी। माना वो इतनी अच्छी नहीं है, पर साड़ी बहुत अच्छी पहनाती है। मैं उनको बुलाती हूँ, वो तुम्हें तैयार करेंगी। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने में शर्वरी से बात कर सकूंगी। शर्वरी जी, और शर्वरी जी क्यों बुला रहे हो रसगुल्ले को? तुम के दरवाजे पे होती हो? और शर्वरी जी, ए रसगुल्ला, क्या हुआ? जरा आइए ना, वो शीला को बंगाली साड़ी पहनानी है, हमको किसी को नहीं आती, आपको आती है ना, आप रोज पहनती हो, तो आज के दिन जरा हमारी शीला को भी पहना दीजिए, संगीत का प्रोग्राम है ना उसके लिए। फिर क्यों आते हो? आइए आइए, शीला आपका इंतजार अंदर कर रही है। दरवाजा बंद कर लो। हाँ, साड़ी कहाँ पे है? शर्वरी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बात? कैसे बात? मेरे कुछ सवाल है और मैं चाहती हूँ तुम उसके जवाब मुझे अच्छे से दो। तुम्हें पता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं जो भी सवाल पूछूं उसका तुम प्लीज सच सच जवाब देना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है? क्या तुम अभी जिससे प्यार करती हो? बोलो शर्वरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या तुम अभी जिससे प्यार करती हो? हाँ, करती हूँ मैं अभी जिससे प्यार। शर्वरी, अगर तुम अभी जिससे प्यार करती हो तो उसको जाके बताओ, मुझे मत बताओ। तुम दोनों के चक्कर में मैं फिस रही हूँ, मेरी क्या गलती है? तुम जाओ उसको और जाके सब कुछ बता दो, या फिर मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। चलो, हम दोनों मिलके उसे बताते हैं। चलो। ना ना, ये कैसी बात कर रहे हो शीला? शर्वरी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सगाई हुई है बस मेरी, एंड मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे प्यार के बीच में आऊं। तुम उससे प्यार करती हो, तुम जाओ, तुमको अपने दिल की बात सुननी चाहिए शर्वरी। तुम्हारा दिल अगर उससे सच में प्यार करता है तो जाओ उसके पास जाके बोल दो। देखो शीला, मैं उसको सब कुछ बताना चाहती थी, पर जब तक मैं तैयार नहीं तब तक कैसे बताऊं? मुझे सबसे पहले मेरी जिंदगी में मेरा करियर आता है, मुझे पहले सेटल होना था, उसके बाद मैं ये सब उसको बताने ही वाली थी। आई नो, तुम्हारा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, बट मेरा भी करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है शर्वरी। मैं भी सब छोड़ छाड़ के शादी के लिए तैयार होगी, बस मेरे पापा के कहने की वजह से। मैं मेरे पापा के आगे नहीं जा सकती, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पापा के लिए ये शादी करने को तैयार हुई, हंसी खुशी। तुम अभिजीत के बारे में तो सोचो शर्वरी, एटलीस्ट तुम उसको एक बार जाके तो बता सकती हो ना, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। तुम वो भी नहीं कर रही, वो वहाँ पे उलझ के बैठा है, तुम यहाँ पे सुलझ नहीं रही। वो सब ठीक है, पर अगर तुम एक बार उसको जाके बोलोगी तो कम से कम उसको भी तसल्ली आएगी कि हाँ तुम भी उससे प्यार करती हो। उसको तुमने ऐसा फंसा के क्यों रखा है? अंदर क्या मारा मारी कर रही हो, साड़ी हो गई क्या? साड़ी दो, मैं पहना देती हूँ।
हेलो, वो मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसे हेल्प? बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बोलिए ना। मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ प्रैक्टिस? वो उस दिन जो ब्यूटिशियन आई थी, उन्होंने मुझे कुछ स्टेप सिखाए थे, मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, इसलिए मैं बस आपके साथ एक बार प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। चलो ठीक है, करते हैं एक बार। थैंक यू। अभी जैसे उन्होंने कहा था, सबसे पहले हाथ। अभी आप मेरे कंधे पे हाथ रखिए। ओके, आप बस एक्शन कीजिए। मुझे पता है हम ये पहली बार कर रहे, इसलिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं भी बस एक्शन करूंगा, बस ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अभी जैसे उन्होंने कहा था, एक पैर इधर, एक पैर उधर, इधर उधर, इधर उधर। अभी घुमाना है धीरे से। हाँ, धीरे से ही करूंगा। ये कैसा था? ये वाला एकदम परफेक्ट था। अब तो मैं संगीत के कंपटीशन में सबकी छुट्टी कर दूंगा।